हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरा नाम है सुगंधर शर्मा वेलकम बैक टू माय चैनल और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप कैबिन क्रू या किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको कैसे ड्रेसअप होना चाहिए मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी और कुछ अच्छे ब्रांड्स भी सजेस्ट करूँगी जो भी इन चार पाँच ब्रांड्स जो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी इनमें से जो भी आपको सूट करे आपकी पॉकेट को सूट करे आप वो परचेज़ कर सकते हैं हम आज के वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि जब आप तैयार होना शुरू हो इंटरव्यू के लिए तो हमेशा पहले अपना मेकअप करें और बाद में अपने कपड़े पहनें मान लीजिए मैंने शर्ट पहनी है और मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ इसको पहनने के बाद यानी कि आप कपड़े पहले पहन लेते हैं और बाद में मेकअप करना स्टार्ट करते हैं तो इन केस अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी फाउंडेशन गिर जाए या मैं मान लीजिए मैं पाउडर लगा रही हूँ सेटिंग पाउडर या मैं ब्लशर लगा रही हूँ या जो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ वो इस पर टच हो जाए तो मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे नॉर्मली हम लोग स्पेयर में सेकेंड पीस ऑफ क्लोदिंग नहीं रखते हैं तो एंड मोमेंट आप लेट हो सकते हैं तो सबसे पहले जब आप मेकअप करना स्टार्ट करते हैं तो आप पहले घर के कपड़े पहने कोई भी नॉर्मल टी शर्ट पहन के जब आप अपना मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जब वो सेटल हो जाता है देन यू शुड वेयर योर फॉर्मल वेयर जिससे कि वो खराब नहीं होंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज़ रिगार्डिंग इनोवेयस इनोवेयस से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला पॉइंट है इनोवे का कलर हमेशा जिस कलर के आप शर्ट पहन रहे हो इनोवे का कलर उसके क्लोज रखने की कोशिश करना क्योंकि अगर आपने लाइट कलर की शर्ट पहनी है और आपके इनर्स बहुत डार्क हैं कलर में या अगर आपने डार्क शर्ट पहनी है और इनर्स बहुत लाइट हैं तो थोड़ा बहुत उसका कलर आपके शर्ट के ऊपर से रिफ्लेक्ट होता है विच इज़ नॉट जस्ट वेरी एम्बेरसिंग फॉर यू इट्स ऑल्सो वेरी अनप्रोफेशनल सो आपकी शर्ट का जो भी कलर है उससे जो भी क्लोज कलर आप चूज़ कर सकते हो इनोवेयर के लिए आपको हमेशा वो इनोवेयर पिक करना चाहिए सेकेंड इज़ कुछ इनोवेयर्स थोड़े टेक्सचर्ड होते हैं थोड़े डिज़ाइनर होते हैं जैसे जिन इनोवेज में लेसेस का वर्क होता है अगर आप उसको शर्ट के ऊपर शर्ट के नीचे उसको पहनते हैं तो शर्ट के ऊपर उस का टेक्सचर या उसका जो स्ट्रक्चर है वो दिखता है या उसकी लाइंस दिखती हैं स्पेशली स्कर्ट्स के साथ जब आप इनरवेयर पिक करते हो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्कर्ट्स क्योंकि पेंसिल स्कर्ट पहननी होती है तो उसके ऊपर जो लाइनिंग है आपके इनरवेयर की वो ना दिखे सो चूज़ योर इनरवेयर अकॉर्डिंगली उसका जो कलर है और जो उसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो कि आप एक बार पहनने के बाद मिरर के सामने खड़े होकर चेक कर लें कि कलर या उसका स्ट्रक्चर ना दिख रहा हो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप पेंसिल स्कर्ट पहनते हैं और आप खड़े होते हैं या बैठते हैं या चल के जा रहे होते हैं तो मे बी इट कैन शो अ लिटिल बिट ऑफ योर इनरवेयर्स तो हमेशा वेयर का कलर स्कर्ट्स के साथ पेयर करने के लिए ब्लैक रखें जिससे कोई ऐसा एम्बेरसिंग मोमेंट नहीं होगा एंड यू विल बी वेरी कम्फर्टेबल नेक्स्ट लेट्स कम टू द ड्रेसिंग अब आप इनर के बाद सीधा अपने कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं सीधा शॉर्ट एंड स्कर्ट के साथ स्टार्ट करते हैं इफ़ यू आर फिट एंड फाइन इफ़ यू आर कम्प्लीटली इन शेप अगर आपका बी एम आई परफेक्ट है आप थोड़े से भी मोटे या पतले नहीं हैं परफेक्ट शेप है आपकी बॉडी का तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी और टून होनी चाहिए या आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है या थाइस पे बहुत ज़्यादा फैट है और आप उसको कंसील करना चाहते हैं तो आप शेप वेयर पहन सकते हैं शेप वेयर्स आपको बहुत पतला नहीं दिखाते हैं लेकिन ये आपकी बॉडी को शेप में लाते हैं टोन्ड बॉडी दिखाते हैं आप अगर आपकी बॉडी परफेक्टली इन शेप भी है तब भी अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा और टोन्ड दिखाना चाहते हैं या अपने फिगर को इन्हांस करना चाहते हैं तो आप शेप वेयर्स का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दो तरह के शेप शेपवेयर्स दिखाऊंगी एक सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ बेली फैट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी पूरी बॉडी उनकी टोंड है और इन शेप है और दूसरा जो शेप वेयर है ये पूरी बॉडी को शेप में लाने के लिए तो मैं आपको फर्स्ट वन दिखाती हूँ दिस इज़ जस्ट फॉर द बेली फैट एंड फॉर योर थाइज़ एज यू कैन सी ये इसकी लेंथ है और यहाँ पे ये जो सिलीकॉन स्ट्रक्चर गिवन है दिस इज़ फॉर टकिंग इन द टमी और यहाँ साइड में इसमें थाइज़ पे आई थिंक यू कैन सी दीज सिकॉन स्ट्रिप्स सिलीकॉन स्ट्रिप्स इसमें रहने का ये फ़ायदा है कि नॉर्मली शेप वियर्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि थोड़े टाइम के बाद वो स्लिप हो जाते हैं जैसे आपने अगर टमी वियर टमी को टक करने के लिए पहना हुआ है तो जब आप बैठोगे तो वो रोल होकर नीचे आ जाता है लेकिन दिस दिस हैज सिलिकॉन ग्रिप्स इन इट तो ये नहीं आएगा दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड क्लोविया uh, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ से यू कैन परचेज इट और मैं आपको कोई कूपन कोड भी दे दूँगी जिसमें आपको कुछ ऑफ भी मिल जाएगा इसके साथ तो ये है सिर्फ उनके लिए जिनको सिर्फ अपनी टमी टक इन करनी है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स इसको पहन सकती हैं कोई भी पर्सन कोई भी जेंडर जो अपनी बॉडी को शेप में दिखाना चाहता है दे कैन यूज इट ठीक है और ये सेकंड है जिनको पूरी बॉडी पे फैट है किसी किसी को यहाँ साइड में भी फैट रहता है अलोंग विद द टमी तो ये वाला जो शेप uh, वेयर है ये एज यू कैन सी दिस इज फॉर द होल बॉडी सो थाइस के लिए भी और वेस्ट uh, के लिए भी दिस इज गोइंग टू कीप योर होल बॉडी इन शेप ये आई थिंक इसका प्राइस 999 था और ये जो सिर्फ टामी वाला था इसका प्राइस 699 था दिस इज़ जस्ट फॉर टामी एंड थाइज़ क्योंकि इसकी लेंथ इतनी है वो फुल लेंथ का है तो आप शेप वेयर पहन सकते हैं उससे आपकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा स्लिम या टोन्ड दिखेगी और इन शेप दिखेगी सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं अगर आप जनरली भी कभी ड्रेस पहनते हैं या कभी बाहर जाते हैं तो उस वक्त क्योंकि मैंने आई डिड नॉट गो फॉर इंटरव्यू तो मैंने उसको बेसिक उन पर्पस के लिए ट्राई किया था एंड इट डिड इट वर्क प्रेडी वेल नेक्स्ट हम आते हैं शर्ट्स के लिए शर्ट्स में मैं आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स सजेस्ट कर दूँगी क्योंकि काफ़ी सारे सेम मिलते जुलते ब्रांड्स हैं जैसे शर्ट्स में आप ले सकते हैं एरो पार्क एवेन्यू एलन सॉली और वैन ह्यूजन ये जो शर्ट मैंने इस वक्त पहनी हुई है ये वैन ह्यूजन की है काफ़ी पुरानी है बट इट आज स्टिल गॉट सम ग्लॉस इन इट और ये मुझे मिस फिट है इस वक्त आपको हमेशा स्लिम फिट शर्ट खरीदनी है इंटरव्यू के लिए प्लीज़ रिमेंबर दिस स्लिम फिट वो होता है जो आपको बहुत ही यू नो you know, एकदम बॉडी हक करके फिट आता है एंड दैट लुक्स वेरी वेरी स्मार्ट तो ये मैंने स्लम फिट ली थी बट एज यू नो आई हैव लॉस्ट क्वाइट फ्यू के जीज नाओ तो ये मुझे थोड़ी सी लूज हो गई है तो शर्ट में आपके पास ये चार पांच ऑप्शन हैं पर पर्सनली जो मुझे अच्छी लगी वो वैन ह्यूज़न की थी इसके अलावा आप जिसकी भी लेना चाहो जो भी आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल जाए वहाँ से आप ले सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं शर्ट्स के भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी शर्ट्स में जो लाइट कलर्ड शर्ट्स हैं हमेशा ट्राई करो कि आप उनको लो और शर्ट्स के साथ जो आप बॉटम वेयर जो भी पहनोगे पैंट या स्कर्ट उसको हमेशा कॉन्ट्रास्ट में रखने की कोशिश करो तो इस वाले पॉइंट पे हम आएंगे जब हम बॉटम वियर की बात करेंगे शर्ट्स को लेके एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक बटन होता है स्पेशली गर्ल्स फेस दिस प्रॉब्लम अलाट कि यहाँ पर देखिए इसमें ये बटन गिवन है आई थिंक यू कैन सी दिस इस बटन से अगर आप झुकते भी हैं या मे बी आफ्टर अ अवाइल यहाँ से ये यह शर्ट आपकी उठेगी नहीं तो प्लीज़ चेक कि उनमें ये बटन हो अच्छे ब्रांड्स में ये बटन्स होते हैं uh, मैं मैंने जैसे आपको इनर इनोवेयर के लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं सजेस्ट किया क्योंकि लोकल इनोवेयर्स भी दे आर एक्चुअली क्लोविया पे uh, इनोवेयर्स भी हैं तो फ्रॉम देयर यू कैन पिक अकॉर्डिंगली लेकिन इनोवेयर्स आप लोकल भी ख़रीदेंगे तो वुडेंट बी अ बिग प्रॉब्लम लेकिन यहाँ शर्ट्स के केस में Uh, मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लोकल शर्ट लें कोई भी अगर मैंने जो ब्रांड सजेस्ट किए शर्ट के आप उनसे नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी आप कोई ब्रांडेड शर्ट ही लें बहुत अच्छे से चेक करके क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है दिस इज समथिंग जो आप ऊपर पहन रहे हो सामने सीधा दिख रही है और आपको पता है कि इंटरव्यू के लिए ग्रूमिंग के मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं स्पेशली कैब क्रू के लिए सो एक बहुत अच्छी शर्ट अगर आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं तो आप जैकेट ट्राई कर सकते हैं पर मैं आपको ऑनलाइन लिंक्स इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन नॉर्मली शर्ट्स ऑफ पे होती हैं जैसे ये मैंने फिफ्टी परसेंट ऑफ में खरीदी थी कई बार मुझे शर्ट सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ऑफ में भी दिखी हैं वो भी ब्रांडेड ओनली पर मुझे जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने उनको नहीं खरीदा नेक्स्ट हम आते हैं स्टॉकिंग्स पे जो जिसको लेके गर्ल्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती हैं कि फर्स्ट थिंग स्टॉकिंग्स पहनने होते हैं कि नहीं पहनने होते स्टॉकिंग्स पहनना कंपलसरी होता है इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं होता कि आपको पहनने होते हैं या नहीं सेकंड स्टॉकिंग्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है एक स्टॉकिंग अगर दो बार भी चल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टॉकिंग्स पहने उन्हें पता होगा जैसे मान लीजिए मेरे लंबे नाखून हैं अगर मैं इस ना नाखनों से पकड़ के स्टॉकिंग्स को ऊपर खींचूँ उतने में भी उसमें टेयर आ जाता है या आप नॉर्मल भी पहन के रखो अगर उसको पूरे दिन तो उसमें कहीं ना कहीं धागा खिंच जाएगा इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है स्पेशली जो लोकल स्टॉकिंग्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा सा ब्रांड सजेस्ट कर देती हूँ ये ब्रांड है नेक्स्ट टू स्किन ये भी अमेजोन पे अवेलेबल है इस ब्रांड की स्टॉकिंग्स की क्वालिटी मैं आपको दिखा देती हूँ उनमें से एक स्टॉकिंग है जो मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ दिस वन तो देखिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना स्टर्डी कपड़ा है इसका कितना फ्लेक्सिबल है और इसमें टीयर भी नहीं आया अगर आपके पास नॉर्मल लोकल स्टॉकिंग्स हैं आपके तो आप देखोगे तो इतने में उसमें टीयर आ जाता है और मैंने कभी अपना स्टॉकिंग ऐसे पकड़ के नहीं खींचा है क्योंकि वो इतने में ख़राब हो जाता है तो ये स्टॉकिंग तो ऑलरेडी मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ यू कैन ऑलरेडी सी द क्वालिटी कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है आई रियली लव दिस ब्रांड वेरी इसी स्टॉकिंग का एक कलर है ये तो इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि इन दोनों में से कौन सा कलर पहनें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है इस चीज़ का इस चीज़ के बेसिस पे ये सिलेक्शन नहीं होता कि uh, इस स्टॉकिंग को पहना तो होगा या इस कलर को पहना तो नहीं होगा इट्स नॉट लाइक दैट लेकिन जो भी आप पहने वो बहुत परफेक्ट दिखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो so, एक तो ये हो गई मैं अब इनसे ज़्यादा आपको एक और बेटर चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी ऑल ये ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से लास्ट कर रही है और मेरी अब तक की सबसे लंबी चलने वाली स्टॉकिंग है ये लेकिन ये एक स्टॉकिंग है ये अगर आप देखेंगे इट्स एक्चुअली इट्स ओपेक जो स्टॉकिंग होती है वो थोड़ी ट्रांसल्यूसेंट uh, रहती है ये थोड़ी सी ओपेक है मैं आपको ये दिखा देती हूँ जिस तरीके से उस स्टॉकिंग में सी थ्रू था इसमें बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है लेकिन इसका जो कपड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत है और सर्दियों में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें शायद आपको थोड़ी ठंड लगे इसमें ये वो प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मैं इन दोनों के ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इसका प्राइस थ्री नाइन नाइन है उसका प्राइस टू नाइन नाइन है अगर आप लोकल मार्केट से स्टॉकिंग्स ख़रीदते हैं तो उनका भी सेम प्राइस होता है ये स्टॉकिंग मैंने इसलिए ली थी क्योंकि ये अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर थी तो दिस वन इज़ फ्रॉम फॉर थ्री हंड्रेड एंड जो मैंने आपको विंटर्स के लिए सजेस्ट किया दैट इज़ फॉर फोर हंड्रेड ये मैंने संभाल के रखा था क्योंकि वो जो स्टॉकिंग मैंने नहीं खोली है वो इसी में रखी हुई थी तो ये अमेजोन पे बेस्ट सेलर था इसलिए मैंने इसको ट्राई किया और बहुत ही अच्छा निकला जब आप इसको खरीदे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही कोई ब्रांड अच्छा काम करता है तो लोग उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देते तो इसकी बहुत सारी फ़ेक कॉपीज़ मार्केट में हैं तो इसीलिए अमेज़ोन से ख़रीदना इसको थोड़ा सेफ़ है ऑफलाइन जाके यानी अगर आप मार्केट से जाके खरीदते हैं तो मे बी आपको फेक पीस मिल जाए और जब आप उसको अमेजोन से ख़रीदें तो आपको ये चीज़ नोटिस करके खरीदनी है कि नेक्स्ट टू स्किन का जो सेलर है आप उन सेलर से ही खरीदें किसी और सेलर से ना खरीदें क्योंकि उससे आपको फेक पीस मिलने के चांसेस होते हैं तो स्टॉकिंग्स आपको शर्ट के जस्ट बाद पहननी है स्कर्ट के बाद नहीं पहननी है क्योंकि जब आप शर्ट पहन के ऊपर से स्कर्ट सेट करते हैं तो फिर उसके बाद स्टॉकिंग पहनने से आपकी स्कर्ट की जो सेटिंग है वो ख़राब हो जाती है ठीक है अब हम आते हैं स्कर्ट पर और यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आपको देना चाहूँगी स्कर्ट्स में अगेन सेम वही ब्रांड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो शर्ट्स के हैं एक्चुअली ये जो ब्रांड्स हैं जैसे पार्क एवेन्यू है एलन सॉली है एरो है और वैन हीन है ये सारे फॉर्मल वेयर्स के ही ब्रांड हैं इनके कैजुअल कपड़े या आ, सेमी फॉर्मल्स फिर भी कम आते हैं पर फॉर्मल्स इनके बहुत अच्छे आते हैं और मेनली ये फॉर्मल्स ही सेल करते हैं तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं ये एक स्कर्ट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी आई बीन यूजिंग दिस स्कर्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है दिस ब्रांड इज़ केमिस्ट्री एक्चुअली मैं पहले इसको सजेस्ट नहीं करने वाली थी क्योंकि थोड़ा सा महंगा आता है ब्रांड पर एज आई टोल्ड यू कि अमेजन पर मोस्टली ऑफ रहता है आपके जो स्कर्ट है वो वहाँ पे जब वो वैकेंसीज निकालती हैं कंपनीज तो वो लिखती हैं नी लेंथ स्कर्ट तो आपको ना तो घुटने से ज़्यादा लंबी पहननी है क्योंकि आपका कम्पलीटली लुक ख़राब हो जाएगा घुटने से लंबी पहनने से ना आपको घुटने से बहुत छोटी पहननी है घुटने से थोड़ी छोटी स्कर्ट चलेगी लेकिन बहुत छोटी बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगती है अगर आपको लगता है कि इससे आपका स्मार्ट इंप्रेशन जाएगा तो लेट मी टेल यू किसी भी चीज़ में आपको प्रोफेशनल दिखने के लिए एक बैलेंस बनाना होता है स्मार्टनेस के बीच में और एलिगेंसी के बीच में अगर आप बहुत शॉर्ट स्कर्ट पहनते हो तो कभी भी उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है एंड नो बडी सीज इट इन अ पॉजिटिव वे मैंने ये लाइट ब्लू कलर पहना है और ये डार्क ब्लू कलर है इफ़ यू कैन सी दिस क्लोजली तो ये इसके साथ परफेक्टली कॉन्ट्रास्ट होता है विच इज़ माई नेक्स्ट पॉइंट कि आप जो भी शर्ट जिस भी कलर में लेते हैं हमेशा उसके कॉन्ट्रास्ट में आपको अपना बॉटम वेयर लेना चाहिए तो जैसे मेरी स्काई ब्लू कलर की शर्ट है तो मेरा बॉटम वेयर शुड बी नेवी ब्लू अगर मैं वाइट कलर की पहनूँ तो इट कैन बी नेवी ब्लू इट कैन बी ब्लैक अगर मैं स्किन कलर में लूँ यानी इस टाइप का जो कलर होता है जैसे बीच कलर भी कहते हैं इसके साथ ब्लैक स्कर्ट विल लुक गुड तो इस तरीके से आपको कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स लेने हैं और आपकी जो शर्ट है उसको यू हैव टू ट्राई टू कीप इट लाइट इन कलर एंड योर बॉटम दैट इज़ योर शर्ट सॉरी दैट इज़ योर स्कर्ट और पैंट डार्क इन कलर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक मुझे ऑलरेडी बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को पता होगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो अपनी शर्ट को स्कर्ट को दोनों को धो दो के उसको बहुत क्लीन रखना है फ्री ऑफ एनी मार्क्स ऑन द शर्ट और स्कर्ट एज क्लीन एज पॉसिबल जो लाइट कलर्ड शर्ट्स होती हैं ये नॉर्मली गंदी दिखती हैं तो जब आप उसको पहनेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि मे बी मुझे नेक्स्ट टाइम भी पहनने की जरूरत पड़े तो मैं कुछ ऐसा ना करूँ कि इस पर ऐसे कुछ मार्क्स आएँ जो ये परमानेंट खराब हो जाए और दोनों के बाद उसको आप जितने अच्छे से आयरन कर पाए जितना परफेक्ट आप आयरन कर पाएँ क्योंकि ऑनेस्टली इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ डिसिप्लिन यू आर एज अ पर्सन आप जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हैं या जितना अपने वेल आयरन कपड़े पहने होते हैं स्कर्ट में आई होप आप लोगों कोई पॉइंट पता होगा कि आपको पेंसिल स्कर्ट ही पहननी है यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अक्सर बहुत सारी गर्ल्स मुझसे ही पूछती हैं कि क्या ये कंपलसरी है कि हम स्कर्ट पहने या हम स्कर्ट छोड़कर पैंट नहीं पहन सकते हैं सो यस इट इज कंपलसरी देखो कोई भी आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं जस्ट बिकॉज़ आपने पैंट्स पहनी हुई हैं लेकिन आफ्टर बिकमिंग अ केबिन क्रू यू हैव टू वेयर स्कर्ट एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग स्कर्ट नाउ तो जस्ट एक दो महीने बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी फिर ट्रेनिंग खत्म होगी हाउ विल यू बी कम्फर्टेबल कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम घर से निकल के आएंगे तो मे बी हम उस वक्त कंफर्टेबल नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज कि जो वेन्यू है इंटरव्यू का जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है वहाँ पे आप एक घंटे पहले पहुँच जाओ अपने बैग में आप अपनी स्कर्ट लेके आओ घर से आप पैंट पहन के आ सकते हो और जहाँ पे भी इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे वॉशरूम्स होते हैं वॉशरूम में जाकर आप चेंज कर सकते हो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप वापस पैंट पहन सकते हो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल ट्रैवलिंग वेयरिंग स्कर्ट्स तो इस तरीके से आप स्कर्ट्स पहन सकते हो बट डोंट स्किप द पार्ट कि मैं स्कर्ट पहनूँ ही पां� ना नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या फुटवेयर हमें पहनने चाहिए फुटवेयर में आप शूज़ भी पहन सकते हैं लेकिन सैंडल्स ज़्यादा अच्छी दिखती हैं सैंडल्स में फ्लैट्स और हील्स दोनों पहन सकते हैं लेकिन हील्स ज़्यादा प्रफ़र्ड होती हैं ये स्मार्ट uh, दिखने के लिए एक ट्रिक है कि आप खुद को स्लिम दिखाएं और टॉल दिखाएं तो स्लिम दिखाने के लिए मैंने आपको शेपवेयर सजेस्ट किया टॉल दिखने के लिए आप सैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं सैंडल्स में स्टेलेटोज और वेजेस और ब्लॉक हील्स तीन टाइप की सैंडल्स आती हैं स्टेलेटोज का मतलब होता है जिनकी हील्स पॉइंटेड होती हैं और लंबी होती हैं अगर आप काफ़ी टाइम से हील्स पहन रहे हैं और आप बहुत कंफर्टेबल हैं हील्स में तो आप स्टेलेटोस पहन सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ब्लॉक हील्स पहन सकते हैं ब्लॉक हील्स में सिर्फ जो पीछे हील्स का पार्ट होता है सिर्फ वहाँ पर इंस्टेड ऑफ एक पतली सी हील के एक थोड़ी मोटी सी हील्स होती हैं तो उससे आपके पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी चलने में अगर आपने कभी हील्स पहनी ही नहीं है और आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप वेज हील्स पहन सकते हैं वेजेस में आपके टोज से लेकर के आपकी हील्स तक पूरे में हील्स रहती हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं इन कंपैरिजन टू टेलेटोज तो आप इनमें से कोई भी पहन सकते हैं फुटवेयर में मैं आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी एक्चुअली बहुत सारे ब्रांड्स हैं मैंने किसी ब्रांड का सोचा नहीं बट पर्सनली uh, जो मैं मैंने हील्स ली हुई हैं दे आर बाय खादिम उसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी uh, उन हील्स की मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि फर्स्ट वो ब्लैक कलर में है तो इंटरव्यू में आप पिंक्स रेड्स ये सब कलर्स ना यूज़ करें अपने फुटवेयर के लिए ग्लिटरी टाइप की हील्स ना पहने तो उन हील्स की स्पेशलिटी ही ये है कि वो बहुत फॉर्मल दिखती हैं उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जैसे मैंने आपको शर्ट्स में चार पाँच ब्रांड्स बताए स्कर्ट्स में चार पाँच ब्रांड्स बताए मैं आपको सभी के लिंक्स दे दूँगी जो भी आपके पॉकेट को सूट करे आप वही ब्रांड परचेज कर सकते हो ठीक है तो ये हो जाएगा आपके हील्स के बारे में मैं आपको सभी टाइप के हील्स दे दूँगी वैसे आई आई ऑल्सो आई डू नेवर वेयर हील्स लेकिन वो जो हील्स हैं वो काफ़ी कम्फर्टेबल हैं और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो मेरे बहुत सारे फोटोज़ में आपने मुझे पहने हुए देखा होगा वो फॉर्मल हील्स भी हैं लेकिन आप उनको अदरवाइज भी ड्रेस वगैरह के साथ पहन सकते हैं एक और पॉइंट है आ, कि हमें स्का्फ पहनना चाहिए कि नहीं तो स्काफ में आप स्काफ़ पहन सकते हैं इट्स ऑप्शनल कंपल्सरी नहीं है दो चीज़ें स्काफ से रिलेटेड अगर आपकी नेक छोटी है या थोड़ी सी मोटी है जैसे मेरी नेक थोड़ी सी मोटी है तो आपको स्काफ़ नहीं पहनना चाहिए उससे आप का जो फ़ेस है वो बहुत मोटा हुआ या फूला हुआ दिखाई देगा ऐसा इंप्रेशन आएगा अब आपको जो कॉलर है उसको भी बिल्कुल नीचे करके पहनना चाहिए देखिए अब मेरी नेक कैसी दिख रही है और अब मेरी नेक कैसी दिख रही है दोनों में कितना डिफरेंस आया तो अपनी कॉलर भी नीचे करके पहननी है और जब सिर्फ कॉलर से इतना डिफरेंस आया तो स्काफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तो अगर आपकी गर्दन थोड़ी सी मोटी है या छोटी है या अगर आपको डबल चिन है देन डू नॉट वेयर स्काफ़ एट ऑल क्योंकि उससे आपका फेस और ज़्यादा मोटा दिखेगा अगर आपकी गर्दन लंबी है नॉर्मल है तब आप स्का्फ पहन सकते हैं स्कार्फ्स को कभी भी शर्ट के बाहर नहीं लटकाते हैं उसको हमेशा शर्ट के अंदर रखते हैं एक और चीज़ है कि स्का्फ्स के नाम पे प्लीज़ दुपट्टे मत पहनना क्योंकि वो बहुत क्लियरली पता चलता है कि ये स्का्फ नहीं है ये दुपट्टा है आप किसी शॉप पे जाके एग्जैक्टली फॉर्मल स्कॉफ्स या फिर आई विल ट्राई टू फाइंड द लिंक ऑन अमेजॉन वैसे मैंने कभी अमेजोन पे फॉर्मल स्कार्फ्स नहीं देखे हैं पर अगर मुझे दिखता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अदरवाइज आप शॉप पे जाके खरीद सकते हैं तो वो भी आप फॉर्मल ही लेना दुपट्टे वाले या डिज़ाइनर टाइप के मत लेना कीप द कलर न्यूट्रल एज वेल एंड कॉन्ट्रास्टिंग विद शर्ट अगर मैंने ये शर्ट पहनी है इसके साथ में लाइट कलर्ड स्कार्फ ही पहनूँ तो इट विल नॉट गो अलॉन्ग विद द लुक सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स मैंने आपको सारे ब्रांड्स बताए मैंने आपको कुछ टिप्स बताई सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स दीज वर सम माई पर्सनल सजेशंस फॉर द गुड ब्रांड्स दट आई हैव बीन यूजिंग एंड फाउंड वेरी गुड आप इन सजेस्टेड ब्रांड्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं टोटली आपकी चॉइस है सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो स्पेशली थोड़ी सी गर्ल्स के लिए इंक्लाइंट थी बॉयज़ के लिए भी मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊँगी आई थिंक मैं पहले भी बॉयज की ग्रूमिंग को लेकर एक वीडियो बना चुकी हूँ उस वक्त गर्ल्स ने कमेंट किया था कि वाई देर इज नो वीडियो फॉर आस सो नेक्स्ट वीडियो मैं स्पेसिफिकली बॉयज़ के लिए फोकस होकर बनाऊंगी सो इफ़ यू इन्जॉयड दिस वीडियो डोंट फर्गेट टू लाइक इट शेयर इट विद यर फ्रेंड्स वो आर गोइंग टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कामेंट सेक्शन और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम माई आई डी इज़ आई एम सुगंधा शर्मा इनफैक्ट आज की जो ये वीडियो है ये भी बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी अदरवाइज मुझे इस वीडियो का आइडिया नहीं आता सो थैंक यू टू ऑल ऑफ दोस्ज ऑफ यू वो हैव बिन मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम शायद आप लोगों को लगता हो कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो मैं उस से रिलेटेड पॉइंट्स को डायरी में नोट कर लेती हूँ और उन पर जल्दी ही वीडियोज़ आ जाती हैं सो कीप गिविंग मी गुड आइडियाज़ इन मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज